सिंह, आज आपको कक्षा 9 के अध्याय 4 को पढ़ाऊंगी जिसका नाम है कंप्यूटर की संरचना एवं कार्य प्रणाली। तो बच्चों, पिछले भाग में मैंने आपको इनपुट डिवाइसों के बारे में बताया था और प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में बताया था, और आज मैं जो है आपको स्टोरेज डिवाइस या जिसको कि हम मेमोरी कार्य करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो जो स्टोरेज डिवाइस वह डिवाइस होती है जिसमें डाटा को हम संग्रहित करते हैं, कंप्यूटर डाटा संग्रहण करने के लिए जिन डिवाइसों का प्रयोग करता है उसे स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। अब ये स्टोरेज डिवाइसेस की डाटा संग्रहण करने के कारण जो है किस प्रकार से डाटा इनमें संग्रहित किया जा सकता है उसके अनुसार ये दो प्रकार की होती है। एक होता है प्राथमिक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी या प्राथमिक इकाई आप कह सकते हैं, है। दूसरा है आपका द्वितीय मेमोरी। द्वितीय मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। प्राथमिक मेमोरी जो होती है ये जो है अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें डाटा जब कंप्यूटर क्रिया करता है तो जो डाटा लेता है वो प्राथमिक मेमोरी का ही प्रयोग करता है, जबकि द्वितीयक मेमोरी जो होती है उसे हम स्थायी मेमोरी कहते हैं। डाटा अगर आप फ्यूचर में यूज करना चाहते हैं, भविष्य में आप ये चाहते हैं कि डाटा का प्रयोग जो है दोबारा कर सकें, या कई सालों के बाद डाटा को देखना चाहते हैं, या डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम द्वितीयक मेमोरी का प्रयोग करते हैं। तो जो प्राथमिक मेमोरी होती है उसमें केवल दो प्रकार की मेमोरी आती है। एक है आपका रैम, प्राथमिक मेमोरी है, इसके प्रकार है रैम और रोम। रैम जो है ये एक अस्थायी मेमोरी है और इसमें डेटा तथा निर्देश परिणामों को अस्थायी रूप में संग्रहित करता है। रैम जो है डाटा निर्देश जो है इसमें अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं, और जब अगर लाइट होती है, लाइट कंप्यूटर में जो है जब विद्युत की उपस्थिति में डाटा इसमें रहता है, और विद्युत के अनुपस्थिति लाइट नहीं है तो डाटा जो है इसमें नहीं रहता है। इसीलिए ये एक अस्थायी मेमोरी है, या बार बार जो है सूचनाओं को हम जो है बार बार इसमें परिवर्तित भी कर सकते हैं, और इसे रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। और रैम जो है इसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो है दूसरा है रोम। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मीन्स ऐसी मेमोरी जिसमें हम डाटा को केवल रीड कर सकते हैं, डाटा को केवल पढ़ सकते हैं, उसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसमें डेटा निर्देश और प्रोग्राम स्थायी रूप में संग्रहित होते हैं, और विद्युत सप्लाई बंद होने पे डेटा प्रोग्राम जो है मिटते नहीं है। लेकिन रोम में केवल जब रोम कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है तभी जो है डाटा इसमें लिख दिया जाता है, और जो आवश्यक डाटा कंप्यूटर की क्रियाविधि के लिए होता है वो जो है रोम में स्टोर होता है। और रैम की अपेक्षा जो है रोम की कैपेसिटी जो डाटा स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। रैम में डाटा क्रिया के दौरान मिटता है और लिखा जाता रहता है, जबकि रोम में डाटा एक बार लिख दिया जाता है तो उसे मिटाया नहीं जा सकता है। इसलिए कंप्यूटर को जो आवश्यक प्रोग्राम होते हैं, सीपीयू को जो आवश्यक प्रोग्राम है जिनकी जरूरत सीपीयू को बार बार पड़ती है, वो रोम में लिखे जाते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी हमारे दो हैं, रैम और रोम। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी की।
सेकेंडरी मेमोरी को हम जीडीएम मेमोरी कहते हैं। अब रैम और रोम का जो है इसमें डाटा एक बार लिखा जाने के बाद उसे मिटाया नहीं जा सकता है, और जो रैम है वो उसमें डाटा जो है बार बार लिखता रहता है, एक अस्थायी मेमोरी है। इनमें हम डाटा भविष्य के लिए जो सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इनका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम द्वितीयक मेमोरी का प्रयोग करते हैं, और द्वितीयक मेमोरी में कई प्रकार की मेमोरी आती है जिसमें द्वितीयक मेमोरी में डाटा को भविष्य के लिए स्टोर कर सकते हैं। जैसे द्वितीयक मेमोरी में आता है आपका फ्लॉपी जो है एक द्वितीयक मेमोरी है। इसमें गोल एक डिस्क होती है और जो कि एक प्लास्टिक के कवर जैकेट के अंदर बंद होती है, और ये फ्लॉपी जो होता है फ्लॉपी को हम डिस्केट भी कहते हैं, और ये करीब 3.5 इंच की होती है, और इसमें 1.44 MB डाटा केवल स्टोर किया जा सकता है। आजकल फ्लॉपी का प्रचलन बंद है क्योंकि फ्लॉपी में बहुत ही कम डाटा, केवल 1.44 MB डाटा ही स्टोर कर पाते हैं, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। और फ्लॉपी के उपयोग के लिए जो है कंप्यूटर में फ्लॉपी ड्राइव का लगे होना भी जरूरी होता है, इसलिए जो है उसका स्थान जो है अब पेन ड्राइव ने ले लिया है। तो ये जो है पहले इसकी संग्रहण क्षमता जो फ्लॉपी की थी 1.22 MB या 1.44 MB होती है। दूसरा आता है यहाँ पे बात करते हैं हार्ड डिस्क। ये सभी जो है द्वितीयक मेमोरी के प्रकार है। हार्ड डिस्क जो है ये भी एक द्वितीयक मेमोरी है, और हार्ड डिस्क का उपयोग जो ये प्रमुख जो है द्वितीयक मेमोरी है क्योंकि कंप्यूटर में जब हम अपना वर्क करते हैं और डाटा को भविष्य के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो ज्यादातर हम हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखते हैं, और ये कंप्यूटर में लगी हुई होती है, और कोई भी डाटा कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम या फाइल हम बनाते हैं उसको स्टोर करना होता है तो हार्ड डिस्क में ही सर्वप्रथम हम इसको स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे जो हार्ड डिस्क है इसमें कई डिस्क का ये संग्रह होता है, और इसमें रीड राइट हेड होता है जिसके द्वारा डाटा को पढ़ा या लिखा जाता है, और इनमें डेटा के संग्रहण का माध्यम माइलर प्लास्टिक के स्थान पर धातु का जो है बना हुआ होता है। जो डाटा जहाँ पे हम स्टोर करते हैं जो डिस्क होती है वो धातु की बनी होती है, और इसके ऊपर चुंबकीय पदार्थों का लेप होता है। अगला है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी को आप सभी ने देखा है, ये प्लास्टिक की डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं, और ये इस डिस्क के ऊपर पॉली कार्बोनेट प्लास्टिक की जो है पतली परत होती है। इस पर डाटा लिखने पढ़ने के लिए लेजर लाइट का प्रयोग करते हैं, लेजर तकनीक का प्रयोग करके सीडी से डाटा को पढ़ा जाता है, और इसमें करीब 700 MB डाटा को हम सीडी रोम में स्टोर करते हैं सकते हैं, और सीडी रोम को चलाने के लिए सीडी ड्राइव की आवश्यकता होती है, और सीडी रोम जो होता है इसमें डाटा को एक बार लिखे जाने के बाद इसको हम मिटा नहीं सकते हैं, केवल डाटा को हम लिख सकते हैं। और कॉम्पैक्ट डिस्क का मतलब सीडी रोम होती है उसका मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फिर आता है बात करते हैं डीवीडी की। चौथा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका पूरा नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी की क्षमता सीडी से अधिक होती है, सीडी में हम केवल 700 MB डाटा ही स्टोर कर सकते हैं, जबकि हम कई जो है 4 GB तक डाटा जो है हम डीवीडी में स्टोर कर सकते हैं, और ये एक बहुचर्चित डेटा भंडारण का माध्यम है, और दिखने में यह बिल्कुल सीडी की तरह ही दिखती है, और ये हल्की पतली गोल्ड डिस्क जो होती है, और इसमें
जो है अगर हम सीडी और डीवीडी की तुलना करते हैं तो सीडी में डाटा कम स्टोर होता है जबकि डीवीडी में हम अधिक डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें कंप्यूटर की डिवाइस की सहायता से इस पर लिखे डाटा को हम पढ़ सकते हैं, उसको हम डीवीडी ड्राइव कहते हैं। अगर आप कंप्यूटर में डीवीडी चलाना चाहते हैं तो आपको डीवीडी ड्राइव जो है कंप्यूटर में लगाना पड़ता है। सीडी के लिए भी आपको सीडी ड्राइव की जरूरत पड़ती है जिससे आप सीडी को चला सकते हैं। फिर आता है अगला पेन ड्राइव। पेन ड्राइव ही जो है सेकेंडरी मेमोरी है और आधुनिक परिवेश में प्रयुक्त होने वाले भंडारण माध्यम के रूप में यह भी एक जो है बहुत ही प्रचलित डिवाइस है और करीब 32 GB तक 64 GB तक पेन ड्राइव का उपयोग हम आजकल करते हैं। और पेन ड्राइव जो है बाजार में उपलब्ध होती है, इसका आकार पेन के कारण होने के कारण इसे पेन ड्राइव कहते हैं। और पेन ड्राइव के आते ही जो फ्लॉपी था उसका उपयोग जो है कम हो गया, क्योंकि फ्लॉपी सस्ती तो थी पेन ड्राइव की अपेक्षा, लेकिन इससे बहुत ही कम डाटा हम स्टोर कर सकते थे जबकि पेन ड्राइव में हम जो है कई GB डाटा स्टोर कर पाते हैं और इसे आसानी से जेब में रखा जा सकता है। फिर आता है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड जो है मेमोरी कार्ड जो है इसका प्रयोग समतल कैमरा, मोबाइल और कंप्यूटर में डेटा, संगीत, चित्र, सॉफ्टवेयर इत्यादि को संग्रहित करने में किया जाता है। यह आकार में पेन ड्राइव से भी छोटे होते हैं और जिनकी क्षमता 1 GB से 32 GB तक होती है। आपका ये जो कॉम्पैक्ट डिस्क है और डीवीडी है, ये दोनों ही जो है डिस्क में ही आएंगे, ऑप्टिकल डिस्क में आएंगे जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। तो ये जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो कि डाटा भंडारण के लिए प्रयोग होती है। डाटा को स्टोर करने के लिए इनका उपयोग हम करते हैं।